करनाल नगर निगम की मीटिंग कई महीनों के बाद आयोजित की गई है, जिसमें शहर में हो रहे एवं आगामी दिनों में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ये मीटिंग करनाल में रेणुबाला गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। मीटिंग में कई एजेंडे रखे गए, जिनको आपसी सहमति से पार्षदों द्वारा मंजूरी दी गई। इस मीटिंग में नगर निगम कमिश्नर के अलावा नगर निगम के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे और विकास कार्य पर विस्तार से चर्चा की गई। बताते चले कि कई महीनों बाद हुई नगर निगम हाउस की मीटिंग काफी हंगामेदार भी रही। इस दौरान घोटाले, स्मार्ट सिटी कम्युनिटी सेंटर प्राइवेट हाथों से वापस लेने समेत कई मुद्दों पर पार्षदों व अधिकारियों की बातचीत होनी भी बताई जा रही है। हाउस की मीटिंग के बाद रेणुबाला गुप्ता ने मीडिया को बताया कि आज हाउस में 26 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 21 को पास कर दिया गया है, 3 को ड्रॉप कर दिया गया है, 2 पर जो कार्य बकाया है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि सभी पार्षदों की सहमति एवं उनके प्रयास से ये कार्य हो रहे हैं। इस मौके पर नगर निगम के कमिश्नर ने कहा कि सभी एजेंडे पर विस्तार से बातचीत की गई है और जिनमें से 21 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है, 3 को ड्रॉप किया गया है। इस मौके पर सभी पार्षद व नगर निगम के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इसकी मीटिंग में 26 एजेंडे थे, उसके बाद आउट ऑफ एजेंडा 10 के करीब आउट ऑफ एजेंडा होंगे, तो उसमें से कुछ पास हुए हैं, एक आध जो पास होने लायक नहीं थे वो रिजेक्ट भी हुए हैं। सर कितने पास हुए हैं? कितने कितने पास हुए? 22 22 एजेंडे पास हुए आज। हाँ जी, आज की मीटिंग के बारे में बताइए, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, कितने प्रस्ताव पास हुए? हाउस में टोटल 26 एजेंडा आज रखे गए थे, सभी पार्षदों की सहमति से 21 एजेंडा हमारे अप्रूव हो गए हैं, 3 को हमने ड्रॉप किया है और 2 को बारनियम अनुसार उनमें जो भी कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। और इसके साथ साथ शहर के विकास के लिए सभी पार्षदों ने एक सकारात्मक सोच रखते हुए सभी ने अपनी अपनी बात को रखा और मुझे लगता है कि ये हाउस की मीटिंग शहर के विकास में पूरी तरह से सहयोग करेगी। सभी पार्षदों ने अपने वार्डों के अपने शहर के विकास के लिए जो भी संभव प्रयास हुए उन्हें करवाने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से शहर में हम विकास कार्य करवा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हाउस की मीटिंग में अधिकारियों और पार्षदों की एक फ्रूटफुल मीटिंग से विकास कार्यों की गति भी बढ़ती है और लोगों को भी इस बात के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी मांगों को रखकर अपनी सभी मांगों को पूरा करवाते हुए शहर का अच्छे से विकास कराएं। मैं सभी पार्षदों का इस बात के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हाउस की मीटिंग में एक सकारात्मक सोच रखते हुए अपने शहर के विकास की बात की। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक